Assalamu alaikum friends and welcome in our channel. Today I am going to teach you how to add running text or scrolling text in your video. Actually this is a very interesting tips for YouTube creators, and it's also editing video by using Camtasia video editor software. But I will add this video in YouTube tips playlist in our global world channel. Jiya friends, aaj ka jo hamara video hai, ye video रनिंग टैक्स के बारे में है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी वीडियो के अंदर एक रनिंग टैक्स चल रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो जी हाँ फ्रेंड, इस तरह का जो इफेक्ट है, जी आप अपनी वीडियोस के अंदर कैसे लगा सकते हैं और कैसे आप कैमटेसिया वीडियो एडिटिंग के अंदर सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक एडिटिंग वीडियो है और ये यूट्यूबर्स के लिए एक जो है वो ट्रिक भी है। तो आप लोग इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और आप जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उर्दू के अंदर आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड, ऑनलाइन अर्निंग और वीडियो एडिटिंग के बारे में जो है वीडियोज़ देखने को मिलती रही हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर और देखते हैं कि हमने अपने जो है वीडियोज़ के अंदर जो ये स्क्रोलिंग टैक्स और रनिंग टैक्स है कैसे ऐड करना है। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पूरी की पूरी वीडियो एडिटिंग सीरीज़ ऊपर आई बटन में सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, और यूट्यूब की पूरी सीरीज़ आई बटन में और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। आप वहाँ से सारी की सारी पहले वाली वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें जो इस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो है कैमटेसिया का वीडियो एडिटर। तो आप अपना कैमटेसिया का वीडियो एडिटर को ओपन कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना जो भी वीडियोज़ के अंदर स्क्रोलिंग टैक्स लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद इसको आपने जो है वो थर्ड ट्रैक पर रख लेना है। तो मैं इसको जो है ड्रैग करके थर्ड ट्रैक पर जो है रखूँगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने इसकी वॉइस जो है, अगर आप लोग यहीं पर रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कि आप इसकी वॉइस जो है सेपरेट ऑडियो ट्रैक में रख लिया करें तो बेहतर है। तो फिलहाल के लिए हमें वॉइस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका वॉइस जो है वो डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो है जो मेरा पहले से एडिट शुदा है, ये हमारी जो है वो YouTube चैनल पर पहले से मौजूद है। तो ये एक ट्रिक है कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को अपने कंप्यूटर के साथ एज अ सेकेंडरी मॉनिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोई जगह देख लेते हैं जहाँ पर हमारा स्क्रोलिंग टैक्स जो है वो ऐड ना हो, तो इस जगह पर हमारा जो है स्क्रोलिंग टैक्स जो है वो ऐड नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना स्क्रोलिंग टैक्स जो है ऐड करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों ने जाना है एनिमेशन के अंदर, एनोटेशन के अंदर, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एक ये वाली शक्ल जो है बिल्कुल सादा सा ये आपने चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद आपने इसको पूरे वीडियो की जितनी भी लेंथ है आपने यहाँ पर पहले इस ड्रॉप विंडो को खोल लेना, और यहाँ से फिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको पूरी स्क्रीन पर जो है फैला देना है। उसके बाद आप लोगों ने फ्रेंड इसके अंदर मौजूद जो है वो टेक्स्ट इसके अंदर से डिलीट कर देना है। फिर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में जाना, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ दूसरे सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आप लोगों ने इसकी ओपेसिटी जो है वो 50% पर सेट करनी है, और नीचे आप लोगों ने इसका थिकनेस जो है वो ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसका कलर जो है ब्लैक करना है, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर वाइट रंग का जो टेक्स्ट होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है और हमें जो है देखने में आसानी रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसका जो है वो साइज़ छोटा करना है, और साइज़ छोटा करने के बाद एक नॉर्मल सा साइज़, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर इतना सा साइज़ में लग सके कि देखने वाले को आसानी से नज़र आ जाए, और आपने इसको जस्ट बॉटम में ला कर नीचे रख देना है। नीचे रखने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ये इसके नीचे जो है बॉटम के अंदर ऐड हो गया है। अगला काम फ्रेंड्स हमने करना ये है कि इसके ऊपर वाले ट्रैक में यही वाला एक और ऐड करना है। इसके अंदर आपने पूरा का पूरा अपना टेक्स्ट जो है ऐड करना है, वो आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेना है, जैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग, या न्यू आने वाली वीडियोज़ के लिए कोई न्यूज़, या इसके बाद जो वीडियो का पार्ट आ रहा है, या कुछ भी, या सोशल मीडिया पेज के लिंक वगैरह कुछ भी आप जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पर लिख लेना है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग ही लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने इसका साइज़ जो है बिल्कुल छोटा कर देना है, और छोटा करने के बाद मैं आपको एडवाइस करूँगा उसके बाद फिर आपने इसके टेक्स्ट को पूरा हाईलाइट करना है, और फिर आपने यहाँ पर 33 जो है पुट करना है, उसके बाद आपने इंटर कर देना है, तो आपका एक टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, और ये इसके बाहर वाला जो बॉक्स है ये भी एक नॉर्मल साइज़ में खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने करना ये है कि आपने टेक्स्ट का जो कलर है वो आपने वाइट कर देना है, और वाइट करने के बाद आपने दूसरे सेक्शन में आना है, यहाँ पर ओपेसिटी इसकी जो है ये बिल्कुल आपने ज़ीरो कर देनी है, थिकनेस बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है, और आपने इस टेक्स्ट को जो है वो ड्रैग करके नीचे इसके ऊपर जो है वो ला के छोड़ देना है, तो आप इसको जो है वो सेंटर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ये ऐड हो गया, लेकिन हमारा जो नीचे वाला इसका ब्लैक कलर का बॉक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको जस्ट ऊपर लेके आऊँगा। ऊपर लाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूँगा,
और छोटा करने के बाद हम इसको वापस इसकी असली जगह पर जो है वो पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारे बॉक्स के अंदर सेट हो चुका है। और इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो है इसको स्क्रॉल करना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि आपने सिर्फ टेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसको आपने पकड़ना है, नीचे वाले बॉक्स को आपने नहीं छेड़ना। पकड़ने के बाद आपने कीबोर्ड के ऊपर जो चार एरोज़ मौजूद हैं उसमें से राइट वाला जो एरो है उसको आपने दबा के रखना है और इस टेक्स्ट को आपने अपनी वीडियो की स्क्रीन से बाहर निकाल देना है। तो मैं इसको पहले इसको फिट कर लेता हूँ ताकि मुझे पूरी की पूरी स्क्रीन नज़र आ जाए, और आपने इसको जो है वीडियो से बाहर निकाल देना है। वीडियो से फ्रेंड्स बाहर निकालने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एनिमेशन के अंदर आना है। एनिमेशन के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट एनिमेशन टैब में आना है। यहाँ से आपने पहले वाला कस्टम जो है इसको चूज़ करके अपने टेक्स्ट वाला जो ट्रैक है उसके अंदर डाल देना है, बिल्कुल आपने शुरू में डाल देना है। तो फिर उसके बाद जब ये आप इसको डाल देंगे तो ये आपका जो कर्सर है खुद ब खुद स्क्रॉल होकर इसके जो है रेड पॉइंट के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा। फिर आपने कीबोर्ड की जो एरो कीज़ हैं उससे लेफ़्ट वाला बटन दबा के रखना है और आपने ये पूरा टेक्स्ट अपना स्क्रीन के दूसरी तरफ जो है बाहर निकाल देना है। तो फ्रेंड्स स्क्रीन के दूसरी तरफ बाहर निकालने के बाद अब हमारा जो टेक्स्ट है वो ऐड हो चुका है। तो मैं आपको दोबारा इसका जो है रिप्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ गुजर गया है। और हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसका नीचे वाला ब्लैक बॉक्स भी बड़ा करेंगे स्पीड को आहिस्ता करने के लिए। ऊपर वाली जो ये बॉक्स है इसको बड़ा करेंगे और हमने इसको रेड डॉट को यहाँ से पकड़ कर इसको थोड़ा सा लंबा कर देना है, जिसके ज़रिए हमारी जो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो अब हम दोबारा से इसको प्ले करते हैं। तो प्ले करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि पहले से निस्बतन कम जो है वो हमारी स्पीड यहाँ पर शो हो रही है। तो अब हम जो वीडियोस के अंदर जो अपना स्क्रोलिंग टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखने वाले को पढ़ने में आसानी होगी। तो अगर आप लोग इसको और लंबा करना चाहते हैं और स्पीड आहिस्ता करना चाहते हैं तो आप लोग इसको थोड़ा सा और लंबा कीजिए। इस तीर को आप लोग पकड़ के थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा कर दीजिए और नीचे वाला भी आप इसके बराबर कर दीजिए, ताकि पूरे टेक्स्ट के नीचे जो है ब्लैक बॉक्स जो लगा रहे ताकि लोगों को देखने में आसानी हो जाए। तो फ्रेंड इस तरह टैक्स ऐड करने के बाद उसके बाद हमने ये करना है कि हमने इसको आगे करना है, और जब हमारा जो स्क्रीन से बाहर टैक्स निकल जाए उसके बाद हमने उसके आगे ये इन दोनों बॉक्स के आगे जो खाली जगह है, यानी कि टैक्स हमारा बाहर निकल चुका है, अब जो आगे खाली जगह बची है इनको हमने यहाँ से काट देना है, ताकि नेक्स्ट जो हमारा स्क्रोलिंग आगे हम इसके स्क्रोलिंग लगाना चाहते हैं उसके अंदर जो है ज़्यादा टाइम हमें ना लेना पड़े। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे और उसके बाद इसके पीछे वाला जो खाली हिस्सा है यहाँ पर हम इसको काट देंगे। तो अब हमारा टेक्स्ट जो है स्क्रीन के बाहर है, तो हम जो इसके फालतू पार्ट हैं वो यहाँ से हम इसको काट देंगे। तो काटने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इसी को कॉपी करके, नीचे वाली पट्टी इसी को कॉपी करके यहाँ पर रखेंगे, और ऊपर वाला हम कोई लिंक डाल सकते हैं नया, वहाँ से जो है एनोटेशन से नई टेक्स्ट जो है यहाँ पर ऐड करके हम वहाँ पर अपना कोई फेसबुक का पेज या इंस्टाग्राम का पेज या ट्विटर वगैरह का कुछ भी हम लिखना चाहते हैं और आप वहाँ से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, खासतौर पर यूट्यूबर्स को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बिल्कुल फ्री में आते रहते हैं। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।